हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी। वेल, टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी कि अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो हमेशा से नयनतारा सम्राट और उससे पहले रुद्राक्ष और प्रशा की लव केमिस्ट्री ने फ्रेंड्स को इस शो से बांधने का एक ऐसा मौका दिया जो हमेशा फ्रेंड्स इन दोनों की केमिस्ट्री को लेकर के याद करते हैं। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा था कि जब से सम्राट और नयनतारा का इस जनरेशन लीप के बाद एग्जिट हुआ है, उसके बाद इस शो की कहानी में उतना दम नहीं रहेगा, इस शो के टीआरपी रेटिंग्स गिर जाएंगी, इस शो में उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाल ही में आ रही एक रिपोर्ट की माने तो बताया यूं जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से टीआरपी रेटिंग में डिप चलने के बाद अब बड़ी ही मुश्किलों से इस शो के टीआरपी में उछाल आया है। यानी कि पहले जब टीआरपी एकदम बेकार चल रही थी, तब यहाँ पर नयन सम्राट का एंडिंग का सीक्वेंस चल रहा था, लेकिन जब नयन और सम्राट की शो से एग्जिट हो चुकी है, तब फैंस ने लगता है शो को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया है और अब सक्सेसफुली शो ने अपनी पुरानी टीआरपी रेटिंग्स का ट्रैक पकड़ लिया है। हाल ही में आ रही टीआरपी रेटिंग्स की बात करें तो 2.0 यहाँ पर शो की रेटिंग काफ़ी दिनों बाद हुई है, जिसे देखकर फैंस और मेकर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये जो नया जनरेशन लीप के बाद की कहानी चल रही है, जिसमें मेन लीड के तौर पर काशवी और अर्जुन हमें नज़र आ रहे हैं, लगता है फैंस ने इन दोनों की जोड़ी को नयन और सम्राट की जोड़ी के जगह पर एक्सेप्ट कर लिया है और अब इन दोनों को अपनाने भी लगे हैं। और इसी का नतीजा है कि शो के टीआरपी रेटिंग्स में बदलाव और पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि जिस तरीके से ये शो की कहानी आगे बढ़ रही है और मेकर्स ने यहाँ पर नयनतारा और सम्राट के मर्डर का ट्विस्ट प्लान किया है, वो कितने दिन तक चलता है और इन दोनों की कोशिश कब तक रंग लाती है नयन और सम्राट की जैसे ही जोड़ी हिट होने का। वेल, आपको क्या लगता है कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।